the ideal concept. हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आगे देखते हैं, आज देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का आगे क्या सब है। कल देखे थे कि यदि कोई अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु को, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल ध्रुव के बीच अगर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा था, यही बोले थे कि आगे आपने यहाँ फोकस पे, फोकस और वक्ता त्रिज्या पे रख करके, बीच में रख करके देखिएगा, बनाइएगा। तो आप यहाँ पे रख के कल बताए थे ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी वस्तु का स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में, तब कहाँ पर प्रतिबिंब बनना था, ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ करके दर्पण से परावर्तन होकर फोकस से निकल जाती है, तथा दूसरा लाइन इसी पे कहीं से, इसमें जो पांच नियम बताए थे उसमें से कोई भी दो नियम आप लगा सकते हैं तब इसका इमेज बन जाएगा। तो दूसरा क्या नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे अगर इस तरह से कोण बना करके आती है तो परावर्तन के बाद भी उतना ही डिग्री का कोण बना करके लौट जाती है, और ये लाइन आपस में कहीं नहीं मिलेगा, पीछे पीछे कहीं नहीं मिलता है, इसको आगे बढ़ाने पर यहाँ पे आके मिल रहा है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, इसका प्रतिबिंब अगर वस्तु ए बी है तो ए बी डैश प्रतिबिंब बना, जो कि कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना है, वस्तु के आकार से बड़ा बना है, आभासी बना है और सीधा बना है। तो ये था पहला, जो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया था वस्तु को। अब वस्तु को फोकस पे रख के देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी फोकस पर वस्तु की स्थिति। अवतल दर्पण लेते हैं, ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और यहाँ पोल ध्रुव। अब वस्तु को फोकस पर लेते हैं, वस्तु फोकस पर है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा इस वस्तु को, इस मिरर में जब प्रकाश इस तरह से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहाँ से लगती है, फोकस से। दूसरा क्या लीजिएगा, जब इस पे जितना डिग्री का कोण बना के ध्रुव पे आती है प्रकाश, उतना ही डिग्री का कोण बना करके ये वापस लौट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों ये समांतर हो गया, दोनों लाइन समांतर हो गया, ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, और पीछे अगर इसको बढ़ाएंगे ऐसे तो पीछे भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइन समांतर हो गया और समांतर दो लाइन समांतर कभी नहीं मिलता है, इधर इधर, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो वास्तविक बना और बड़ा बना और अनंत में बना। कहाँ बना इसका प्रतिबिंब, अनंत में बना, इन्फिनिटी अनंत में बना है, बड़ा बना है और उल्टा बना। तो ये था वस्तु की स्थिति फोकस पर। अब देखते हैं जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रहता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे, ये सब को नोट करते जाइएगा कॉपी में। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस
एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक हफ्ता तक लेते हैं। इसका ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अब वस्तु यहाँ पे रहती है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, देखिए फिर से वही लाइन लीजिए। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है। दूसरा लीजिए, जब ये धूप पे आती है तो परावर्तन के बाद उतने ही डिग्री का कोण बना करके यहाँ पे मिल गया है। यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना, क्योंकि ये जब भी प्रतिबिंब वहीं पे बनता है जब दो लाइन दो किरण आपस में मिल जाती है, तो यहाँ पे मिल गया है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, उल्टा बना है। अगर ये वस्तु ए बी है इस तरह से सीधा, तो प्रतिबिंब उल्टा बना है, ए नीचे हो गया और बी ऊपर, उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा बना है और वास्तविक बना है। इसका लिख लेते हैं कैसा बना, उल्टा बड़ा वास्तविक, उल्टा बना बड़ा बना और वास्तविक बना है, वस्तु की ओर बना है। आगे देखते हैं हम, जब कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वस्तु है सी यहाँ पे एफ फोकस, यहाँ पे हम वस्तु को रख लेते हैं, सी पर रख लेते हैं। अब इसका प्रतिबिंब जब यहाँ से प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है। दूसरा लीजिए, कितना डिग्री का कोण बना करके धूप पे आती है, उतना ही डिग्री का कोण बना करके यहाँ इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, उल्टा बना और सी पर ही बना, लेकिन उल्टा बना है वास्तविक बना। इसका लिख सकते हैं उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बना बराबर बना, वस्तु के आकार कितना बड़ा वस्तु है ए बी उतना ही बड़ा बना है, बी डैश ए डैश उतना ही बड़ा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है वास्तविक बना वास्तविक। ये सब एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि जब कोई वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यही ऑप्शन दे देता है कि ठीक हो, एक और ऑप्शन देता है इसमें से कोई नहीं, तो या ये इसमें से सभी ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है, उल्टा बराबर और वास्तविक, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए सब याद रखिएगा। और दो नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको ड्रॉ कीजिए जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है। आगे देखते हैं आप, वक्रता केंद्र के बाहर में अगर कोई वस्तु है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा। जैसे अब तक हम फोकस, यहाँ ध्रुव, अब लेते हैं वक्रता केंद्र के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आकर के परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है। उसके बाद जितना डिग्री का यहाँ बन रहा है कौन, उतना ही डिग्री का यहाँ बन रहा है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जितना डिग्री का कौन आपतित कौन रहेगा उतना ही परावर्तन कौन रहेगा। तो
तो कहाँ पर कट गया दोनों लाइन, इस जगह पर कट गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ होगा। उल्टा बना ए कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैस बी डैस ले रहे हैं हम, वस्तु सीधा है जहाँ बनना उल्टा, तो उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक और छोटा, वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा और खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा वस्तु के यहाँ पर रख करके प्रतिबिंब बनाने के, फोकस पर रख करके, यहाँ पर रख करके, यहाँ पर सब जगह रख करके खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा बनाइएगा, तब जा करके और अच्छा से समझ जाएगा। तो ये तो हो गया, अब तक दर्पण में कहीं भी वस्तु को स्थित करके उसका प्रतिबिंब, अब देखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कोई वस्तु को रखने पर कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहरी ओर रहता है, ये मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है कल बताया गया कि इसका फोकस कहाँ पर रहेगा, फोकस यहाँ पे वक्ता केंद्र यहाँ पर आता है, क्योंकि ये जिस गोले का भाग है, जिस गोले का, क्योंकि इससे पहले ये पूरा गोल रहा होगा, जिस गोले का ये पार्ट है टुकड़ा है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, और ये दोनों के बीच में फोकस होता है, यहाँ पे ध्रुव है और परावर्तक सतह किधर है, इस साइड है। तो कोई वस्तु को जब इस साइड रखते हैं कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, कहीं भी रखिएगा, हमेशा इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है। यहाँ पर रखते हैं कोई वस्तु को, ये भी वस्तु है, इस जगह पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पर आकर के ये परावर्तन होकर के दर्पण से परावर्तन के बाद ये इस साइड हो जाएगा, क्योंकि पहले सब बता दिए थे कि कैसे लाइन परावर्तन होकर के किधर होती है। मुख्य अक्ष से प्रकाश जब अब उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष से प्रकाश आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इधर लग जाती है, ये लगता क्या है कि फोकस की ओर फोकस से आ रही है। तो पहला लाइन, एक और लाइन को इंट्रो कर लेते हैं पाँचों में से कोई एक, तो दूसरा लगा देते हैं सी से, जब कोई प्रकाश सी से चलती है तो सी पर ही बढ़ जाती है, यहाँ से रियल लाइन है और यहाँ से इधर से आकर के इधर से ही मूव करते हैं, सी से जो लाइन आती है लौट करके सी पर ही चला जाती है, दोनों लाइन कहाँ पे कट गया, इस जगह पे कट रहा है, इस जगह पर ए डैश बी डैश। यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति ए बी है, इतना बड़ा इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है छोटा, और कैसा बना, आभासी बना है, छोटा बना है और सीधा बना है, ये सीधा है, ये ऊपर है तो ये ऊपर सीधा बना है, इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं, तो हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनता है, छोटा सीधा और आभासी काल्पनिक, काल्पनिक छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। अब देखते हैं इसका प्रयोग, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग, कहाँ पर उपयोग होता है उत्तल दर्पण, कहाँ पर प्रयोग होता है अवतल दर्पण,
यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ उत्तल दर्पण। तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाए थे वो वास्तविक भी बना था और आभासी भी बना था, बड़ा बना था, छोटा भी बना था। इसलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? इसका उपयोग हजामती के रूप में होता है, हजामती के रूप में होता है, सैलून में होता है, बालों कटाने में, सीढ़ियाँ कटाने में उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखे थे, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखे थे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना था, दर्पण के पीछे बना था, बड़ा बना था और सीधा बना था। इसलिए इसका प्रयोग हजामती के रूप में सैलून में होता है। जब यहाँ पर आदमी को बैठाया जाता है तब जब बाल काटा जाता है उसमें अगर छोटा सा भी कोई बाल छूट गया है तो उस दर्पण में बड़ा सा दिखाई देगा, इसलिए प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। दूसरा प्रयोग कहाँ होता है? दूसरा प्रयोग सौर भट्टी में होता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग, यहाँ पर कोई मेटल है, सौर यहाँ पर सन है, सूर्य का प्रकाश इस दर्पण पे अवतल दर्पण पर पड़ करके सबको यहाँ पर परावर्तित करके एक जगह कर देते हैं प्रकाश को, जिससे यहाँ पर बहुत मात्रा में हीट उत्पन्न हो जाता है और इसका जो भी किया जाता है गलाया जाता है। तो इसका एक प्रयोग हो गया सौर भट्टी, सौर भट्टी में जहाँ से सूर्य की उष्मा को हीट में बदला जाता है, हीट उत्पन्न किया जाता है। आगे उपयोग कहाँ है? सौर भट्टी, सौर भट्टी हो गया। अगला उपयोग होता है टॉर्च में या गाड़ी के हेडलाइट में, क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट में जब अब उत्तर दर्पण अवतल दर्पण रहता है इसका प्रकाश इधर उधर नहीं फैल करके, हर जगह नहीं फैल करके यहाँ से टकरा करके पूरा आगे की ओर आता है, पूरा एक जगह लाइट को कंसंट्रेट कर देता है। इसलिए इसका प्रयोग उत्तर दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, ये सब जगह किया जाता है। टॉर्च में, हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, ये सब जगह उपयोग किया जाता है। इसका और भी उपयोग है, जैसे जैसे ये चिकित्सा में, जैसे दांत दांत को चेक करने में, दांत और ये नाक कान ये सब को चेक करने में होता है। जब दांत खराब रहता है इतना छोटा चम्मच के आकार का रहता है और उसमें अब तक चम्मच का आकार का रहता है, इसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण इसको यहाँ पर रखने से उसका दांत का प्रतिबिंब इसमें बन जाता है और बड़ा बनता है, जिससे डॉक्टर को क्लियरली साफ साफ दिखाई देता है। तो वहाँ उसका प्रयोग होता है घटी हुई। तो दांत दांत कान दांत कान चेक कर जांच की दांत को काल ये सब चेक करने में डॉक्टर उपयोग करता है। इस तरह से इसका उपयोग है, बहुत सारे उपयोग है, हजामती के रूप में, सौर भट्टी के रूप में, टॉर्च में, हेड गाड़ी के हेडलाइट में और चिकित्सा में दांत कान है ये सब चेक करने में उपयोग होता है। अब देखते हैं उत्तर दर्पण का क्या उपयोग है। उत्तर दर्पण का उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, साइड मिरर यानी जो गाड़ी में आगे ड्राइवर के जो बगल में एक मिरर लगा रहता है, जिससे ड्राइवर ये देख पाता है कि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रही है। तो उस दर्पण में, साइड उस दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के। क्यों किया जाता है? प्लेन मिरर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि अभी बताया है उत्तल दर्पण
सीधा होता है और छोटा बनता है, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो समतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र होता है कम होता है। अगर मान लेते हैं साइड मिरर में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कोई आदमी है, प्रकाश ऐसे आकर के इस तरह से आए, प्रकाश ऐसे आकर प्रारंभिक का यहाँ है, क्योंकि प्रकाश जब तक प्रारंभिक के बाद के आँख तक आता है तभी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ये इतना ही जगह को कवर किया, यानी कम दूरी को कवर करता है, रोड का आधी भाग को ही कवर कर पाएगा समतल दर्पण, पूरा पूरा रोड नहीं दिखाई देगा उसमें, इसलिए समतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसका दृष्टि क्षेत्र कम होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से, उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से इसका दृष्टि क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, यानी रोड को पूरा रोड को कवर कर लेता है, पूरा रोड का फिगर उसमें बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए अब उत्तल दर्पण का साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। और भी खासियत है अवतल दर्पण का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अवतल दर्पण में बताए हैं कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हर जगह एक जैसे नहीं बनता है, अगर फोकस और धूप के बीच रखते हैं तो बड़ा बन जाता है, फोकस फिर आता है तो अनंत पर बन जाता है, और वक्रता केंद्र पर जाता है तो उल्टा का वास्तविक बनता है। मान लेते हैं अगर अवतल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में कर दिया जाएगा तो लगेगा जो सामने वाला जो गाड़ी होगी वो तो लगेगा बहुत बड़ा, और पीछे वाला गाड़ी तो उल्टा लगेगा कि उल्टा गाड़ी आ रही है, तो एक जैसे प्रतिबिंब उसमें नहीं बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हमेशा, क्योंकि उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है उत्तल दर्पण का, इसलिए इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और हमेशा जब प्रतिबिंब बनता है कोई भी दर्पण में, रेन मिरर में या कन्वेक्स मिरर में, उसमें उल्टा बनता है, असल उल्टा, जैसा दोनों में अंतर हो गया, मैं नहीं अंदर है, अशारीरिक उल्टा। अशारीरिक उल्टा क्या होता है, अशारीरिक उल्टा में देखिए मिरर का लेफ्ट का राइट में बनता है, राइट वाला लेफ्ट में बनता है, कभी आप आईना के सामने खाना खाए हैं दायां हाथ से खाइएगा तो लगेगा क्या बायां हाथ से खाना खा रहे हैं, यानी लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट बन जाता है, उसमें इसी को कहा जाता है पार्श्विक, इसलिए इसको पार्श्विक उल्टा कहा जाता है। तो इस यही कारण है कि आप लोग एम्बुलेंस देखे होंगे, लिखा हुआ एम्बुलेंस में आगे एम्बुलेंस के जो आगे वाला भाग रहता है उसमें उल्टा रहता है, ठीक है। देखिए अगर मिरर के सामने अगर ए लिखिएगा इसका उल्टा ए बनेगा, इसका फसल उल्टा ए बनेगा, अगर बी लिखिएगा इसका उल्टा कैसे बनेगा, इस तरह से बनता है, सी लिख करके आगे रखिएगा आईना सामने तो ऐसा बनेगा, यानी उल्टा बन जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। एम्बुलेंस अगर लिख करके आप सामने रखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो एम्बुलेंस आपका आगे वाला भाग में इस तरह से एम्बुलेंस दिखा रहता है, जो कि असर उल्टा रहता है, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बन जाता है। अगर मान लेते हैं ये एम्बुलेंस अगर सीधा रहता लिखा हुआ, ये सीधा रहता है लिखा हुआ, सीधा रहता अगर लिखा रहता तो उसका प्रतिबिंब जो साइड मिरर में उससे गाड़ी एम्बुलेंस मान लेते हैं पीछे से आ रही है, और उसके आगे जो भी गाड़ी है तो पीछे कौन सा गाड़ी आ रही है वो साइड मिरर से देखती है, तो साइड मिरर में अगर सीधा अगर लिखा रहेगा
इसमें साइड मिरर में उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा, सही से पढ़ नहीं पाएंगे ड्राइवर, तो इसलिए उसी में उल्टा लिख दिया जाता है, एम्बुलेंस में ही उल्टा लिख दिया जाता है ताकि मिरर में सीधा दिखाई दे और गाड़ी एम्बुलेंस को साइड जल्दी दे दिया जाता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस के आगे भाग में उल्टा लिखा रहता है और एम्बुलेंस के गाड़ी के पीछे में लिखेगा तो सीधा रह जाएगा, ठीक है, पीछे से इतना जब भी कोई आगे एम्बुलेंस जा रही है तो पीछे को कांच से देखता है, साइड मिरर से देखता नहीं, इसलिए एम्बुलेंस के पीछे वाला भाग सीधा रहता है लिखा हुआ और एम्बुलेंस के आगे उल्टा लिखा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे, इसके आगे कल देखेंगे।